मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, बीमार सिस्टम को तत्काल ठीक कीजिए। व्यवस्था ऐसी तो हो कि इस विषम परिस्थिति में अस्पतालों के दरवाजे मरीजों के लिए खुले रहें। हालात इतने खराब हैं कि गंभीर अवस्था में मरीज अगर अस्पताल पहुंचता है तो पहले वहां ताला तोड़ा जाता है, भले ही इस दौरान मरीज दम तोड़ दे। ऐसी ही भयावह तस्वीर सामने आई है उज्जैन से, जो मानवता को शर्मसार करती है। ये खबर हुक्मरानों के दिमाग की बत्ती गुल कर सकती है। एक तरफ कोरोना के संक्रमण काल में स्वास्थ्य अमला देवदूत बना हुआ है, तो वहीं कुछ जगह हालात इतने बदतर हैं कि अगर कोई गंभीर बीमार अस्पताल पहुंच जाए तो उनकी सुनने वाला ही कोई नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप बहुत संजीदा इंसान हैं, इसीलिए समय रहते एक्शन लीजिए और ये ताकीद कीजिए कि भविष्य में ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश में ना हो। ये वीडियो दिखाना हमारी मजबूरी है ताकि सरकार की आंखें खुल जाएं। जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रही ये महिला एम्बुलेंस से अपने घर से अस्पताल तक तो आ गई, लेकिन ये क्या, अस्पताल में ताला लगा है। एम्बुलेंस और कुछ कर्मचारी जब ताला तोड़ने की मशक्कत कर रहे थे तब महिला वाहन में तड़प रही थी। एक स्वास्थ्य कर्मी ने महिला को गले लगाकर उसका ढांढस बनाए रखने का काम किया, लेकिन महिला की सांसें उखड़ रही थी। तो दूसरी तरफ अस्पताल के सन्नाटे में ताला तोड़ने की आवाजें सरकार के वादे और दावों की पोल साफ साफ खोल रही थी। अरे भाई साहब, एक मिनट, यहाँ पर ताले की चाबी भी नहीं है। यहाँ पर ताले की चाबी भी नहीं है। अस्पताल की लापरवाही उजागर करने की इससे ज्यादा खतरनाक तस्वीरें कोई हो ही नहीं सकती। दानीगेट निवासी 58 साल की महिला को गुरुवार देर रात माधव नगर अस्पताल में भेजा गया था। यहां से उसे आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए रेफर किया गया, मगर यहां वार्ड के ताले की चाबी ही नहीं मिली। कुछ कर्मचारी ताला तोड़ते रहे, इस दौरान महिला बाहर एम्बुलेंस में अंतिम सांसें ले रही थी। करीब 45 मिनट बाद जब ताला टूटा और उसे वार्ड में भर्ती कराया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला इलाज के अभाव में दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।